हम पढ़ेंगे वर्ग। आज हम क्या पढ़ेंगे? वर्ग। किस प्रकार से वर्ग निकाले जाते हैं, है ना? वर्ग और वर्गमूल। तो वर्ग कैसे ज्ञात करना, देखिए। जैसे कि एक, एक का वर्ग, एक का वर्ग को गणित में कैसे लिखेंगे? एक की घात दो। एक का वर्ग मतलब एक की घात दो, मतलब एक गुणित एक। एक में एक का गुणा करेंगे कितना आएगा? एक। उसी प्रकार से दो का वर्ग, दो का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? दो की घात दो बराबर दो गुणित दो, यानी कि दो दुनी चार। वर्ग मतलब दो उसी संख्या में उसी संख्या का गुणा करना, उसी को उसी में गुणा करना दो बार, है ना? तो दो दुनी चार, ठीक है ना। अब तीन का वर्ग, है ना? तो तीन का वर्ग बराबर तीन और कोष्टक इसकी पावर दो। तीन गुणित तीन कितना हो गया? तीन तिया नौ, तीन तिया नौ, है ना। अब चार का वर्ग, चार का वर्ग तो चार का वर्ग मतलब चार की घात कितनी? दो, दो। चार गुणित चार, चार चौक सोलह। पांच, पांच का वर्ग किसका वर्ग? पांच का वर्ग मतलब पांच की घात दो बराबर पांच गुणित पांच पच्चीस। इसी प्रकार छह का वर्ग, बताओ छह का वर्ग कितना होगा? छह का वर्ग छत्तीस, छह की घात दो, छह गुणित छह बराबर छत्तीस। सात का वर्ग, सात का वर्ग मतलब कितना? सात की घात दो, बोले तो सात गुणित सात सती सती उनपचास। आठ का वर्ग, तो आठ का वर्ग बराबर आठ की घात दो मतलब अठी 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 चौसठ। और नौ का वर्ग, नौ का वर्ग तो नौ का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? नौ की घात दो मतलब नौ गुणित नौ नम्बे नम्बे इक्यासी। और दस का वर्ग, दस का वर्ग बराबर दस की घात दो मतलब दस गुणित दस दस धाम सौ, है ना। ग्यारह का वर्ग, तो ग्यारह का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? ग्यारह की घात दो ग्यारह गुणित ग्यारह, ग्यारह में ग्यारह का गुणा करेंगे तो एक सौ इक्कीस। बारह का वर्ग, तो बारह का वर्ग क्या होगा? बारह की घात दो, तो बारह गुणित बारह कितना होगा? एक सौ चौवालीस। बारह में बारह का गुणा करके देखना। तेरह का वर्ग, तो तेरह का वर्ग मतलब तेरह की घात कितनी? दो, तो तेरह गुणित तेरह कितना हो जाएगा? एक सौ उनहत्तर। और चौदह का वर्ग, चौदह का वर्ग, चौदह का वर्ग बराबर चौदह की घात दो मतलब चौदह गुणित चौदह बराबर कितना? एक सौ छियानबे। और पंद्रह का वर्ग, किसका वर्ग? पंद्रह का वर्ग मतलब बोले तो पंद्रह की घात कितनी? दो, तो पंद्रह गुणित पंद्रह गुणित पंद्रह, पंद्रह गुणित पंद्रह कितना हो जाता है? दो सौ पच्चीस। सोलह का वर्ग, तो सोलह का वर्ग मतलब सोलह की घात दो, सोलह गुणित सोलह बोले तो कितना? दो सौ छप्पन। अब इसके बाद हम आते हैं सत्रह का वर्ग, है ना? किसका वर्ग? सत्रह का वर्ग मतलब सत्रह का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? सत्रह की घात दो यानी कि सत्रह गुणित सत्रह कितना हो जाएगा? दो सौ उन्नबे। फिर अठारह का वर्ग, अठारह का वर्ग मतलब अठारह की घात दो मतलब अठारह गुणित अठारह कितना हो गया? तीन सौ चौबीस। और उन्नीस का वर्ग, उन्नीस का वर्ग क्या हो जाएगा? उन्नीस की घात दो, उन्नीस गुणित उन्नीस मतलब तीन सौ इकसठ। बीस का वर्ग मतलब कितना? बीस की घात दो मतलब बीस गुणित बीस, बीस गुणित बीस कितना हो गया? चार सौ। और इक्कीस का वर्ग तो कितना हो जाएगा? इक्कीस की घात दो, इक्कीस गुणित इक्कीस कितना हो जाएगा? चार सौ इकतालीस। और बाईस का, बाईस का वर्ग तो बाईस की घात कितनी? दो, तो बाईस गुणित बाईस, बाईस में बाईस का गुणा करेंगे कितना आएंगे? आठ सौ चौरासी। तेईस का वर्ग, तेईस का वर्ग यानी कि तेईस की घात कितनी? दो, तो तेईस गुणित तेईस कितने होते हैं बताओ? पांच सौ उनतीस। और चौबीस का
वर्ग किसका वर्ग? 24 का वर्ग, है ना, 24 का वर्ग। तो 24 का वर्ग कितना हो जाएगा? 24 की घात 2, मतलब कितना? 24 × 24 बोले तो कितना? 576। 25 का वर्ग मतलब कितना? 25 की घात कितनी? 2, मतलब कितना? 25 × 25 बोले तो कितना? 625। और 26 का वर्ग, 26 का वर्ग मतलब कितना? 26 की घात 2, 26 × 26 कितना हो जाएंगे? 676। 27 का वर्ग मतलब 27 की घात 2, तो 27 × 27 बोले तो 729। 28 का वर्ग मतलब 28 की घात 2, 28 × 28 784। और 29 का वर्ग, 29 का वर्ग कितना हो जाएगा? 29 की घात 2, 29 × 29 कितना हो जाएगा? 841। और 30 का वर्ग किसका? 30 का वर्ग बराबर 30 की घात 2, मतलब 30 × 30 कितना हो जाएगा भैया? 900। 31 का वर्ग, 31 का वर्ग मतलब कितना? 31 की घात 2, 31 × 31 कितना हो गया भैया? 961। और 32 का वर्ग, तो 32 का वर्ग कितना हो जाएगा? 32 की घात 2, मतलब 32 × 32 32 × 32 का 1024। और 33 का वर्ग बराबर 33 की घात कितनी? 2, तो 33 × 33 कितना हो जाएगा आपका? 1089। और फिर 41 का वर्ग, तो 41 का वर्ग मतलब कितना? 41 की घात 2, तो 41 × 41 कितना होता है? 1681। इस प्रकार से आप विभिन्न संख्याओं के वर्ग बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे और समझ पाएंगे, ठीक है ना? हाँ।